हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हैकर रैंक पे। इसका नाम है शेरलॉक एंड जीसीडी। जैसा कि यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि ये जीसीडी है, तो इसका मतलब है कि जीसीडी से रिलेट हो रहा होगा। आइए इसको पढ़ के देखते हैं प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को। शेरलॉक इज स्टक वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम गिवन एन अरे ए। ही वॉन्ट्स टू नो इफ देर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ बी ऑफ दिस अरे विच फॉलोज दीज स्टेटमेंट्स। B is a non-empty subset. There exists no integer x which divides all elements of B. And obviously x will be greater than 1 because 1 will divide every number. There are no elements of B which are equal to another. एक बार फिर से इस प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। शेरलॉक के पास एक एरे है और वो ये जानना चाहता है कि इस एरे का कोई सबसेट ऐसा पॉसिबल है क्या कि जिसमें B एक non-empty सबसेट है और उस सेट के सभी एलिमेंट्स को कोई एक्स डिवाइड करता है। और माने कि ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी ये नहीं कह रहा है कि डिवाइड करता है, बल्कि नहीं डिवाइड करता। तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं होना चाहिए जो कि इस एरे के सभी एलिमेंट्स को या सबसेट के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करे। एंड देर आर नो एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर इक्वल टू वन अनदर। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको, उससे शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 है, तो इसके जो सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो 1, 2, 3 देन 1, 2, ये पावर सेट्स हम जनरेट कर रहे हैं इसके, 2, 3 देन 1, 3 एंड देन इसके बाद 1, 2, 3। इसमें 5 भी होगा लेकिन मतलब कि नल सेट, उसको नल सेट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी कह रहा है कि बी इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो एलिमेंट 1 है या ये जो सबसेट है या ये वाला जो सबसेट है, ये वाला जो सबसेट है, ये तो सिंगल सिंगल एलिमेंट के सबसेट्स हैं, तो ये हमारे काम के हैं नहीं। 1, 2 में केवल 1 ही डिवाइड करेगा इन दोनों एलिमेंट को, 2, 3 में केवल 1 ही डिवाइड करेगा 2, 3 को, 1, 3 में केवल 1 ही डिवाइड करेगा 1, 3 को, 1, 2, 3 में केवल 1 ही डिवाइड करेगा 1, 2, 3 को। तो आपका आंसर इस केस में यस होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 भी सेटिस्फाइड है इन सभी सबसेट्स के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी सक्सेसफुली है क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जो सबसेट्स हैं उसमें कोई भी ऐसा सबसेट नहीं है जिसमें कोई एक नंबर ग्रेटर देन 1 हो जो उसको डिवाइड करे। दूसरा क्या है कि कोई भी एलिमेंट इक्वल भी नहीं है इन सबसेट्स में। तो यहाँ पे हमने पावर सेट का यूज़ किया है। आपको पता होगा कि पावर सेट क्या होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो हमने पावर सेट से ये क्लियर किया इस चीज को। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हमारा आंसर इस केस में यस होना चाहिए क्योंकि हमने सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया इनके हिसाब से। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, उसमें 5, 10 और 15 एलिमेंट्स हैं। तो जब आप इसका पावर सेट बनाएंगे तो 5 एक सेट बनेगा, 10 एक सेट बनेगा, 15 एक सेट बनेगा एंड देन इसके बाद इनके कॉम्बिनेशन अगर आप बनाए 5, 10, दूसरा 10, 15 एंड देन 5, 15 एंड देन एक 3 वाला सेट बना लें 5, 10 और 15। तो सिंगल वाले की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन चलिए आइए हम एक बात करते हैं इस वाले सेट की, 5 और 10 की। तो एक नंबर 5 है जो 5 और 10 दोनों को डिवाइड कर देगा। इसी तरह से 10, 15 में 5 डिवाइड कर देगा, 5, 15 में 5 डिवाइड कर देगा, 5, 10 और 15 में भी 5 डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर नो होना चाहिए। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट अवेलेबल है 5 और 5। तो इसका जो हम सबसेट बनाएंगे, सो 5 एंड अगेन 5, ऑब्वियसली सेम है लेकिन दो हमें सेट बनाने पड़ेंगे क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं। एंड देन इसके बाद फिर 5 और 5 नाम का एक दूसरा सबसेट होगा। तो इसमें ये जो 5, 5 वाला है, इसमें दोनों नंबर इक्वल हैं, तो इसलिए ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए हम आंसर नो लिखेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है एक्चुअली। हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास सबसेट्स, जो भी हमारे पास एक सेट ओरिजिनल सेट गिवन है या जो ओरिजिनल एरे गिवन है, इस ओरिजिनल एरे में जैसे लेट्स से हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, अगर हमने इन सभी का जीसीडी फाइंड कर लिया, मतलब 1, 2, 3, 4 का जीसीडी अगर हमने फाइंड कर लिया और 1, 2, 3, 4 का अगर जीसीडी जो आता है उसको एक्स में स्टोर कर लिया, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि केवल 1 ही ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर यस होगा। और अगर ये x1 नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारा ये
नो होगा। तो हमें सिंपली एक जीसीडी फाइंड करना, और जीसीडी से ही जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके देखते हैं। जो इक्वल वाला केस है उसमें भी जीसीडी ही वर्क करेगा, और इक्वल वाले केस में नंबर जो इक्वल नंबर है वही हमारा जीसीडी आ जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स, हमने सी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया, आप सीपीपी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक ए काउंट गिवन है, इसको मैं सिंपल वेरिएबल एन में ले लेता हूँ, और मेरे पास एक इंटीजर एरे गिवन है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जीसीडी फाइंड करना होगा। तो जीसीडी फाइंड करने के लिए मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख लेता हूँ, जीसीडी यूक्लिड्स एल्गोरिथम से मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो अगर ए जीरो है तो मैं रिटर्न कर दूंगा बी, else अगर बी जीरो है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ए। आपको पता होगा ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम से मॉड्यूलस वाला जो हमने मेथड फाइंड किया था जीसीडी को ऑप्टेन करने के लिए। अगर मान लीजिए कि ए ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न कर दीजिए जीसीडी ऑफ ए मॉड्यूलस बी कॉमा बी, और अदरवाइज रिटर्न कर दीजिए जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी मॉड्यूलस ए, क्योंकि इस केस में बी बड़ा होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार जीसीडी को, अगर ए जीरो है तो बी रिटर्न होगा बेस केस, अदरवाइज अगर बी जीरो है तो ए रिटर्न करेंगे, और ना ही ए जीरो है ना ही बी जीरो है तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो जी सी डी ऑफ ए मॉड्यूलस बी और बी फाइंड करते हैं, अदरवाइज जी सी डी ऑफ ए और बी मॉड्यूलस ए हम फाइंड करते हैं। तो आई होप हमने जी सी डी प्रॉपरली लिख दिया है, और इससे मुझे जी सी डी मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं कि अपना जो ओरिजिनल एल्गोरिथम है सॉल्व वाला, उसमें हम अपने लॉजिक को अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि एक पी है जो कि पहला नंबर है, पहला नंबर का मतलब क्या है कि ए आर ए मुझे गिवन है, तो ए आर ए का पहले इंडेक्स जीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो मेरा पी हो गया। और फिर मैंने एक लूप चलाया, पहला एलिमेंट हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया पी में, इसलिए हम सेकेंड एलिमेंट ऑनवर्ड्स फाइंड करेंगे जीसीडी। हमने क्या किया कि एक जीसीडी फाइंड किया, जीसीडी हम फाइंड कर रहे हैं पी कॉमा ए आई का, मतलब क्या है कि पहला और दूसरा एलिमेंट, देन दूसरा एंड तीसरा एलिमेंट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्योंकि मुझे जो जीसीडी फाइंड करना है वो सभी एलिमेंट्स का फाइंड करना है, तो मैं एक यहाँ पे लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं पहले दो एलिमेंट का जीसीडी फाइंड कर ले रहा हूँ, एंड देन जो जीसीडी आया उसी से थर्ड एलिमेंट का जीसीडी निकाल रहे हैं, एंड जो उससे जो जीसीडी आएगा उसी से फोर्थ एलिमेंट का जीसीडी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्स में लेट से सेव कर लिया, ये मेरा जीसीडी है, या जी में सेव कर लीजिए। तो ये मेरा जीसीडी हो गया पहले और दूसरे एलिमेंट का। इसके बाद फिर मैं पी को जी के इक्वल कर देता हूँ, जिससे कि अब पी में पहला एलिमेंट ना होके बल्कि जीसीडी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर हो गया। इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एक्स वेरिएबल पे, नॉट एक्स बट जी वेरिएबल, आई मेरा डिक्लेयर नहीं है तो आई को भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। और लास्ट में मैं एक कंडीशन चेक करता हूँ कि अगर मेरा जी वन है तो इसका मतलब है कि मुझे यस रिटर्न करना है, और अदरवाइज मुझे नो रिटर्न करना है। एक बार देख लेते हैं कि यस और नो, यस और नो का जो मेरा स्टेटमेंट है वो अपर केस में है, ये तो मैंने वेरीफाई कर लिया। सो आइए इसको रन करके देखते हैं। तो यस सैंपल टेस्ट केस पास हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। फाइन, मेरे बाकी के टेस्ट केसेस भी पास हो गए हैं सक्सेसफुली। सो आई होप हमने इस प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर लिया है। तो शेलॉक एंड जीसीडी इज करेक्टली सॉल्व। वी विल सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम्स एज वेल ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ हैकर रैंक इन द नेक्स्ट टर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।